लगातार आ रही बारिश के कारण नेरी के समीप खंबाड़ा गांव के कुछ मकानों में रहने वाले परिवार बेघर हो गए। कई किसान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके कारण किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पिछले 5-6 दिन से हो रही लगातार बारिश से नेरी समीप खंबाड़ा गांव के कई मकान गिरने तथा कई मकाने क्षतिग्रस्त होने से कई मकानों में दरारें आई है। इस नैसर्गिक आपदा के कारण कई परिवारों को रास्ते पर गुजारा करने का दर्दनाक दृश्य खंबाड़ा गांव में देखने मिला है। गोंदोड़ा गांव की नदी में आए बाढ़ के कारण खेतों में पानी घुस गया है, जिसके कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ है। नथुजी आड़कू नन्नावरे, उत्तम गायकवाड़, विलास नागो से इनका मकान गिरने से अनाज और माल का नुकसान हुआ तथा उनका परिवार रास्ते पर आया है। नारायण चौके तथा नागेश गायकी, इनके तबेले क्षतिग्रस्त होने से खेती के औजारों तथा अनाज का नुकसान हुआ है। इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। धान, कपास, सोयाबीन पानी में डूबकर नष्ट होने की कगार पर है। इन परिसरों के किसानों ने सरकार से मदद की याचना की है तथा तुरंत ही नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। चिमूर से हमारे संवाददाता बालू सातपुते की रिपोर्ट। पावसामुळे भिंत कोसळून माझे बराच काही नुकसान झालेलं आहे। त्यात माझे असलेले धानाचे पोते सुद्धा आणि शेतीचं साहित्य सुद्धा दबलेलं आहे आणि त्याच्यात शेतीच्या साहित्याची सुद्धा नुकसान झालेली आहे आणि माझे जनावर सुद्धा ते बचावले आहेत त्यापासून। आणि तिथं असलेला खतसुद्धा, मग 10 थैल्या खताच्या त्यासुद्धा ओल्या झालेल्या आहेत। आणि त्यानंतर धानाचे पोतेसुद्धा दुसरीकडे हलवले आहेत। त्याची एवढ्याही या मला मदत लवकरात लवकर तातडीनं करावी एवढी माझ्याकडून आपल्याकडे अपेक्षा आहे। 4-5 दिवस झाल्यावर आमचं घर पडले, आमचे गहू तांदूळ दबून आहेत। त्यानं कारण भरपाई द्यावा।